ਟੁਆਣਾ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖੀਓ ਕੁਣਾ ਕਰਾਗਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਮ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਬਈ ਜੋ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੋ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਸੀ ਨਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਔਰ ਜੋ ਹੀ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸਕੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਸਭ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਇੱਕ ਸਰਾਹਨੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾ ਉਸਕੀ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕਰਾਂ ਬਾਈ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕਦਮ ਹੀ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ये सारी की सारी सरकार की पॉलिसी है इनकी नीत है माड़ी नीत से काम करती है सरकार राहुल गांधी को 3 दिन पहले जज को बदलना अगला दिन वो जज ज्वाइन करता है अगला दिन वो फैसला सुनाता है उसी को फाइल देखी नहीं को लेना नहीं को देना नहीं राहुल गांधी ने एक मोदी नाम तय कर मोदी सरनाम तय बोलिया वो मैं ऐसे ऐसे सारे मोदी क्यों है ये कौन सा जुल्म कर दिया उसने और इसी बेस पर उन्होंने 2 साल की सजा सुना दी मकान खाली करा लिया मेंबरशिप खत्म कर दी तो ये जो सरकार इसकी मोनोपोली है ना उसके विरोध में हम इकट्ठे हुए हैं और कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं ऐसी बात है ये बिल्कुल प्री प्लांट काम है सरकार को बिल्कुल सोच समझ कर बिल्कुल प्लान बनाया का ये काम किया ताकि हमारे देश में दंगे फसाद हों हिंदू मुसलमान हो और इलेक्शन नज़दीक आ रहा है उसमें हिंदुओं के वोट हम ले लें ये बजरंग दल आए टिक्के लाए फिरा है ये गाय भुखी मर्दी फिरी करते कि नहीं है हिंदू है तो ये भुखी मर्दी फिर लाई रही गाय बेचारी हाँ है यानी कि एक बातचीत तक बंदे नहीं रही लावा टिक्का तिलक और बजरंग दल इसका विरोध करते हैं कड़े शब्दों में और जो जाट का नाम लेगा इन्होंने फैलाया ना जाट आज जाट फलानी है जाट ठीक है मर्सल कौम है जाट और जहाँ भी देश पे आपत्ति आती है तो जाट कौम पूरा बढ़ चढ़ के भाग लेती है लेकिन इसमें हम कोई जाट सभी जाट भाइयों से अपील है कि मुसलमान हमारे भाई हैं शुरू से हमारा इकट्ठा देश था ये तो किन्हीं कारणों से देश अलग हो गया जो यह मुसलमान रह गए वो हमारे भाई हैं उनका पूरा देश में पूरे देश की तरक्की में पूरा योगदान है हमारे देश में 3 राष्ट्रपति मुसलमान रह लिए अगर देश को मुसलमानों से खतरा होता था उस टाइम हो जाता था खतरा ये सिर्फ इनको प्री प्लान है माया भाईचारा खराब करना चाहते हैं और दंगे फसाद करा कर वोट की राजनीति करती है बीजेपी कोई टुवाणा नहीं टुवाणा करा कर देखियो कुणा करागा हम देखेंगे हम इसका विरोध करेंगे हाँ जितने जाट है जाट सिख जाट सब और अदर कास्ट छत्ती बरादरी ब्राह्मण सब कल एक उस लड़की का आ रहा था वीडियो में देखा है वो शर्मा है उसी बड़ी खोल के बताई है कि मैं जाट भोली कौम है मर्द कौम है भोली कौम है इसको बकाना चाहते हो चाहते हैं मैं पंडितों की लड़की हूँ मैं मेरे जाट भाइयों से अपील करती हूँ कि इनकी बातों में मत आओ।